स्वागत है आपका यूट्यूब की नई चैनल व्यूनो में। भाई अभिनव, आज हम ईंधन की बचत के लिए किए जाने वाले उपाय के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, कार के ईंधन यूज़ प्रणाली पर कार द्वारा वहन किए जाने वाले वजन का पूरा असर पड़ता है। जी हाँ, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी कार में ज़रूरत से ज़्यादा सामान भरकर चलते तो सदैव अपनी कार में ज़रूरत के ही सामान लेकर चले। जिन वस्तुओं की ज़रूरत आपको यात्रा के दौरान नहीं पड़नी है उन्हें कार में न रखें। इससे आपकी कार का वज़न कम होगा और इंजन को गति पकड़ने के लिए कम से कम पेट्रोल की ज़रूरत होगी। पेट्रोल खपत पर कार के टायर का आकार भी बहुत मायने रखता है। लोग कार को बेहतरीन लुक देने के लिए कार को मॉडिफाई कराते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग कार के ओरिजिनल पहियों की जगह कुछ अलग प्रकार के मोटे पहियों को यूज़ करते हैं। दोस्तों, ओरिजिनल पहियों की जगह कुछ मोटे प्रकार के वाइडर पहियों का इस्तेमाल करना बेहद हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज़्यादा मोटे पहिए इंजन पर ज़्यादा शक्ति देने का दबाव बनाते हैं जिसके कारण इंजन को चलने के लिए ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि आपके कार के पहिए जो अपनी द्वारा कंपनी द्वारा दिए गए हो उन्हीं का प्रयोग करें। जब भी आप अपनी कार को घर में या फिर कहीं बाहर पार्क करते हैं तो ऐसे पोजीशन में पार्क करें कि आपको दोबारा निकलने के लिए रिवर्स गियर का प्रयोग ना करना पड़े। हमारा मतलब है, यदि आप कार को पार्क करते समय ही बाहर निकलने की तरफ रखेंगे तो आपको दोबारा निकलने के लिए रिवर्स गियर नहीं लगाना होगा। इसका कारण यह है कि जब कार का इंजन ठंडा होता है उस समय ज़्यादा ईंधन खपत हो सकता है और यदि काफ़ी देर से खड़ी कार को रिवर्स किया जाएगा तो और भी ज़्यादा पेट्रोल डीजल की खपत होगी। जब आप सड़क पर होते हैं और सामने सिग्नल होता है तो आप अपनी कार के इंजन को बंद करना ना भूलें। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग सोचते हैं थोड़ी देर में सिग्नल ऑन हो ही जाएगा तो फिर कार के इंजन को क्यों ऑफ करें। गौरतलब हो कि यदि आप 20 से 30 मिनट से ज़्यादा देर तक रुकना हो या फिर 10 मिनट से भी ज़्यादा रुकना हो तो इंजन को ऑफ कर दें। इससे आप दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन की खपत को कम कर सकेंगे। जब आप कार चलाते हैं तो यह हमेशा ध्यान रखें कि कार के गियर को सावधानीपूर्वक बदलना बेहद आवश्यक होता है। यात्रा के दौरान कम से कम गियर बदलने की प्रक्रिया का प्रयोग करें। जब आपको ज़रूरत हो उसी वक्त गियर बदलें। जब आप कार की स्पीड ज़्यादा हो तभी गियर बढ़ाएं और गति के अनुसार ही गियर कम कर लें। ध्यान रहे, ज़्यादा से ज़्यादा गियर का प्रयोग ज़्यादा ईंधन की खपत करता है। एक्सीलेटर वो यंत्र है जिसका सीधा जुड़ाव आपके इंजन और ईंधन टैंक से होता है। मतलब एक्सीलेटर की कार के इंजन और फ्यूल टैंक का मीडिएटर होता है। जब आप कार को पहले गियर में आगे बढ़ाएं तो धीमे से एक्सीलेटर को छोड़ें। कई बार देखा गया है लोग ज़्यादा पिकअप पाने के लिए के चक्कर में तत्काल तेज़ी से एक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें कि ज़्यादा तेज एक्सीलेटर का प्रयोग ज़्यादा ईंधन की खपत करता है। कार चलाते समय अपने कार की गति का पूरा ध्यान रखें। आपको बता दें कि शहर के भीतर 40 से 60 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा ही रफ्तार से चले। इससे न केवल आप अपनी कार के माइलेज को ठीक रखेंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी भी सुरक्षित रहेगी। समय समय पर कार की सर्विसिंग का भी पूरा ख्याल रखें। एयर फिल्टर को क्लीन कराना ना भूलें। एसी का कम से कम यूज़ करें दोस्तों, इस कारण से ज़्यादा ईंधन की खपत होती है। दोस्तों, अगले वीडियो में आपको और अच्छी जानकारी देंगे दोस्तों, इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ये वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए हमें कमेंट करें। दोस्तों, ये चैनल ऑल टॉपिक चैनल मल्टी टॉपिक चैनल है। सभी टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाती है, कभी फैशन पर तो कभी मेडिसिन पर, कभी आयुर्वेदिक तो कभी ऐसा ट्रैवलिंग वाला। तो दोस्तों, आप इस चैनल का प्लेलिस्ट ज़रूर देखें क्योंकि प्लेलिस्ट में ही इस चैनल के सारे टॉपिक छुपे हुए दोस्तों। सो आपको एक ना एक प्लेलिस्ट ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।